हमारे भारत में कई ऐसी जगह हैं जहां पर अपार रहस्यों का राज छिपा है, चाहे वो रहस्य महाभारत के समय का हो या फिर रामायण या फिर अयोध्या। प्राचीन काल से ही कई ऐसी गुफाएं हैं जिनके बारे में आपने कभी न कभी तो सुना होगा। आज हम आपको महाभारत काल से जुड़ी एक ऐसी रहस्यमय गुफा के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे। हैरान करने वाली बात यह है कि इस रहस्य के बारे में कोई भी नहीं जानता और माना जाता है कि उस रहस्य को चाहकर भी कोई इंसान जान नहीं सकता है। ये रहस्यमय गुफा उत्तराखंड के मांडा गांव में है। बता दें कि मांडा गांव को हिंदुस्तान का आखिरी गांव या उत्तराखंड का आखिरी गांव कहा जाता है। रहस्यों से भरी इस गुफा को व्यास गुफा के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो ये एक छोटी सी गुफा है, लेकिन इसके बारे में कहा जाता है कि हजारों साल पहले महर्षि वेद व्यास ने इसी गुफा में रहकर वेदों और पुराणों का संकलन किया था। मान्यता यह भी है कि इसी गुफा में वेद व्यास ने भगवान गणेश की सहायता से महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। वेद व्यास गुफा अपनी अनोखी छत को लेकर भी देश भर में चर्चित है। इस छत को देखने पर ऐसा लगता है जैसे बहुत से पन्नों को एक के ऊपर एक रखा हुआ है। इसी छत को लेकर एक रहस्यमय धारणा है, या आप इसे एक सोच भी कह सकते हैं। कहा जाता है कि ये महाभारत की कहानी का वो हिस्सा है जिसके बारे में महर्षि वेद व्यास और भगवान गणेश के अलावा और कोई नहीं जानता। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास ने भगवान गणेश से महाभारत के वो पन्ने लिखवाए तो थे, लेकिन उसे महाकाव्य में शामिल नहीं किया और उन्होंने उन पन्नों को अपनी शक्ति से पत्थर में बदल दिया। आज दुनिया पत्थर के इन रहस्यमय पन्नों को व्यास पोथी के नाम से भी जानती है। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर वो कौन सा राज था जिसे वेद व्यास दुनिया को बताना नहीं चाहते थे। ऐसा कौन सा राज है जिसे वेद व्यास दुनिया से छिपाना चाहते थे। खैर, महाभारत का ये अनोखा अध्याय सच है, कोई कहानी या फिर महज एक इत्तफाक, इसके बारे में तो कोई नहीं जानता। लेकिन पहली नज़र में तो व्यास गुफा की छत ऐसी लगती है जैसे उस पर कोई विशाल काय पुस्तक रखी हुई है। टेम लोकल वोकल।